लेकिन चार काम हैं उनका अजर अल्लाह ताला ने बताया ही नहीं है कि कितना होगा, उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। और इन चार कामों का बदला अल्लाह ताला ने खुद देना है, इसलिए इसके बारे में बताया ही नहीं है। कितना देना है ये मेरा मालिक जानता है। वो चार काम कौन से हैं? एक रोज़ा है, अस्सौमु ली व अना अज्जी भी, रोज़ा मेरे लिए है, इसका बदला भी मैं ही दूंगा। और दूसरा काम जिसके बारे में कुरान कहता है, इन्नमा युवफ्फा अस्साबिरूना अजरहुम बिगैरि हिसाब, जो सब्र करता है उसे भी बगैर हिसाब के ही अल्लाह अजर देंगे, उसका हिसाब कोई नहीं। आप किसी को कुछ देना चाहते हैं, उसको गिन के देते हैं, चेक किसी के हाथ में थमाते हैं, अमाउंट लिखी होती है, और अगर किसी को ये कह दिया जाए कि ये लो, खुद जो लिखना है लिख लो, इसके और उसमें क्या फ़र्क होगा, वो आप समझते हैं, बग़ैर हिसाब। और तीसरा अमल जिस पे अल्लाह ताला बग़ैर हिसाब के, कोई लिमिटेशंस नहीं अल्लाह ताला के इनामात की, जैसे उसकी शान व अज़मत बहुत है, उसका इनाम भी बहुत है। वो तीसरा अमल कौन सा है? जब इंसान सच्चा होने के बावजूद किसी को मुआफ़ कर देता है, मुआफ़ करने के साथ साथ इस्लाह करता है, ऐसे इंसान को भी अल्लाह ने इतना अजर देना है, उसका हिसाब नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह हज़रत जलाल फरमाते हैं, فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, जो मुआफ कर देता है और जो अपनी इस्लाह कर लेता है, अल्लाह ताला ने उसका अजर अपने ऊपर रखा है, उसका अजर बताया ही नहीं। चौथा अमल जिसका रब ताला ने बेहिसाब अजर देना है, जिसको आज हम पसंद नहीं करते, वो कौन सा अमल है? जब भी कोई गाली दे दे, वो मेरे और आपके बारे में कोई बुरी बात कर दे, तो हम कबीदे खातिर हो जाते हैं। अच्छा, इसने ये कहा तो कहा क्यों? अरे भाई, ये तो वो अमल है, अगर आपने बर्दाश्त कर लिया लोगों के ताने, लोगों की बातें और लोगों की तनकीद, अगर आप सच्चे हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। परेशानी तो उसको होती है कि जिसके अंदर तीन सिफात नहीं है, या तो उसने कोई जुर्म किया, या उसने दीन को नहीं समझा, या यह है कि वो जानते नहीं हैं कि इस परेशानी को छोड़कर रब पे तवक्कुल करने से और बर्दाश्त करने से अजर मुझे कितना मिलेगा। लीडर लोग तो ऐसा काम नहीं करते। लीडरशिप उस वक्त तक इंसान को मिलती नहीं है जब तक लोगों की बातों की परवाह नहीं करता। लेकिन इसका कतन ये मकसद नहीं है कि सच्ची बात भी हो तो उसकी भी परवाह न करे, जब उसके बारे में गलत कोई बात कह रहा है बर्दाश्त करे, टॉलरेट करे। इसलिए कुरान मजीद में अल्लाह हज़्ज़ुल जलाल फरमाते हैं, नो بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم। اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے قلم کی, और कसम उठाई है इस कलम से जो कुछ फरिश्ते लिखते हैं कुरान की, अपनी कलाम की। साथ क्या फरमाया, मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून,
ساری دنیا تمہیں دیوانہ کہے، مجنون کہے، میرے محبوب جب میں کہہ رہا ہوں جس نے پیدا کیا ہے کہ تم دیوانے نہیں، پریشانی کی ضرورت کیا ہے؟ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُون، یہ جو تانے آپ کو ملتے ہیں اور آپ پھر بھی مسکراہٹیں بکھیرتے ہیں، اس کے بدلے آپ کو انلیمیٹڈ میں اجر عطا کروں گا۔ سبحان اللہ وبحمده، سبحان اللہ العظیم، سبحان ذی العز والجبروت، سبحان